गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड अगेन जेपी इंटरनेशनल स्कूल बेवानी से क्लासेस का चैप्टर नंबर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीप्लायर्स। इसके बारे में हम पहले आप लोगों को कुछ बता चुके थे, उसमें आपको एक्सरसाइज 2D का खत्म हो चुका था। एक्सरसाइज 2E में के पहले क्वेश्चन सॉल्यूशन करने के पहले एक कुछ फॉर्मूलेस हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं। एलसीएम का मतलब हो गया लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। इसका मतलब एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है जो देखेंगे। ओ वन नंबर्स मल्टीप्लाई द अदर नंबर्स वाई है एक्सीएफ। सेकेंड एक और एलसीएम बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट द गिवन टू नंबर्स वाई दियर एलसीएम। थर्ड नंबर एलसीएफ हायर कॉमन फैक्टर बराबर होता है वन नंबर मल्टीप्लाई द अदर नंबर वाई दियर एलसीएम। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2E का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर्स गिवन फॉर। इसको क्या करना है, एलसीएम में बनाना है। तो हम पहले आप लोगों को बता दिए थे कि एलसीएम बनाने की विधि क्या है। सबसे पहले हम 42 और 63 से ये जो दो डिजिट दिए गए हैं इसमें क्या करना है, सबसे लीस्ट नंबर से हम इसमें डिवाइड करेंगे और उस दरमियान में यदि लीस्ट नंबर से नहीं लगेगा तो उसके ऊपर वाले से देखेंगे। उसके बाद जो हमने आ जाएगा लास्ट में वही मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम सबसे लोएस्ट डिजिट 2 से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किए ये हो गया 21। सॉरी 2 से भी नहीं लगेगा यहाँ पे कोई भी। आपको सबसे पहले बताए थे कि सबसे लीस्ट नंबर से ही स्टार्ट करेंगे, यदि 2 से लगेंगे तो दोनों कटना चाहिए। कम से कम एक एलसीएम का नियम है कि कम से कम 2 डिजिट तक कटना चाहिए। यदि 2 से नहीं कटता तो इसमें क्या चलेंगे, 3 से लगाएंगे। यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो 43 जा 42 होता है और इसमें हो जाएगा 21 3 जा 63। फिर अगर देखेंगे कि 3 से नहीं लग रहा है दोनों, इसके लिए क्या करेंगे, 4 से लगाएंगे नहीं लग रहा, 5 से देखेंगे नहीं लग रहा, 6 देखेंगे नहीं लग रहा, ये 7 से देखेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बार में 7 2 जा 40 और 7 3 जा 21। अब यहाँ पर हम लिखेंगे हिंस एलसीएम बराबर एलसीएम इक्वल 3:7:2:3 इसका इक्वल क्या यहां पे आ गया 3:7:21 21:2 क्या हो जाएगा 3 जा क्या हो जाएगा 126। ये हो गया आपका आंसर है बनाने की विधि। ये मेथड हो गया एलसीएम, हम इस तरह से आप लोगों को बताए, इस तरह से आप लोगों को बनाना है। आगे चलते हैं, आपका क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एलसीएम। यदि आपका क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में 170 एंड 221 को क्या करना है, एलसीएम यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर में हमको बनाना है। इसमें आते हैं तो सबसे पहले एलसीएम बताए थे कि सबसे पहले 117 से 221 में हम डिवाइड करेंगे, है ना। इसको वन बार मिलेंगे उसको बाद 170। अब देखेंगे यहाँ पे नहीं लगा तो उसमें एक पेंसिल लेंगे तो उसमें जाएगा 11 से 7 जाएगा तो हो जाएगा 4। अब ये क्या बच गया, कुछ नहीं, ये हो गया सॉरी ये हो गया आपका 0 और ये हो गया आपका 1 यानी 104 बच गया। कितना बचा,
104 बच गया है ना। तो 104 में फिर हम ओवन बल्ब लगाएंगे कितना से, 170 से, कितना बल्ब लगाएंगे ओवन बल्ब में, तो हो गया 104। अब देखिए 7 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 3, आगे क्या हो गया ओवन, एक कैंसिल हो गया। अब देखेंगे क्या है, अब देखिए 30 से हम इसमें डिवाइड करेंगे, 30 से हम इसमें क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, और 30 का टेबल यदि हम 8 बार पढ़ते हैं तो 38 का 104 हो जाता है, ये हो गया आपका कैंसिल, यानी हम यहां पे लिख सकते हैं हेंस 117 एंड 221 सॉरी हेंस एचसीएफ ऑफ 117 एंड 221 ईच क्या हो गया 30, यहां पे लिख देंगे 30। ओके अब हम आगे चलते हैं एलसीएम, इसको हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, यानी 170 और 221, अब हम इसको एलसीएम लगाएंगे, एलसीएम लगाने के बाद क्या कहते हैं कि सबसे लीस्ट नंबर से चलेंगे, सबसे लीस्ट नंबर यदि 2 से हम यदि इसको करते हैं डिवाइड तो नहीं हो पाता है, तो 3 लगाएंगे 4 लगाएंगे इस तरह से लगाते जाएंगे तो नहीं लगता है, लास्ट में देखते हैं कि 3 बार में लेगा 5 में लेगा 7 में लेगा 9 में लेगा 6 में लेगा 11 में लेगा, तो ये लेगा आपको डायरेक्ट 30 मान, 30 से हम इसको लगाते हैं तो 39 का कितना हो जाता है 170, और उसके बाद फिर हम ये 30 में देखते हैं यहां पे डिवाइड करके तो ये आपको 17 बार में कट जाएगा, ठीक है 17 बार में कट जाएगा, यहां पे लिखेंगे हेंस। अब देखिए दोनों जो हो गया प्राइम फैक्टर ये नहीं कट पा रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे यहां पे लिखेंगे हेंस एलसीएम बराबर एलसीएम इक्वल 13 × 9 × 70, यानी इतना कैलकुलेशन करने के दरमियान में आपको 1987 इक्वल होगा, इसको वर्क कर देख लेंगे ये आपका आंसर होगा। चलिए अब अगेन चलते हैं, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो आप सॉल्यूशन अच्छे तरह से कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन।